क्योंकि मुझे लगता है आयुर्वेद तब लिखा गया था जब स्त्री प्रधान समाज था, स्त्री तो रुषणी थी तो वो स्त्री और पुरुष ऐसा विषय ही नहीं था जी। हमारे यहाँ पुंसवान शब्द भी है तो उत्तम संतति पुमान तो आ रहे थे तो पुत्र या पुत्री ये शब्द नहीं था, ये संतान के लिए पुत्र शब्द है जी। अब वो आपका पुत्र मेल हो सकता है, आपका पुत्र फीमेल भी हो सकता है। हम कहते हैं हमारे बेटी को बेटा क्या है, बेटा तुम बोलो क्या बोलती हो, बेटा यानी बेटा लगता है। लेकिन जब फिर आगे बोलते हैं कि बेटा तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम बोलो मेरी प्यारी बेटी, हम बेटी शब्द यूज करने से पहले बेटा बोल लेते हैं, तो वही पुत्र है, हमारे ऐसा कुछ नहीं था जी। एक ये आपने शुरू में बताया कि वो जिस तरह थैलेसीमिया पीड़ित एक बालिका आई, मतलब महिला आई, तो एमटीपी की बात आई, गर्भपात या गर्भ का चिकित्सकीय समापन एमटीपी एक्ट, कैसे देखते हैं आप इसको कि क्या मेडिकली या सोशली? देखो मेडिकली तो एक प्रोसीजर है जी, उसमें वैद्य या डॉक्टर सब एक ही जवाब देगा जी। अब जब दूसरा शब्द आपने सोशली बताया तो ये सोशली डिटोरिएशन है जी। ऐसा नहीं कि पुराने जमाने में रैप नहीं होते थे या ऋषियों के समय में भी ऐसा नहीं हुआ था जी। उसमें से तो लग्न संस्था का जन्म हुआ जी। ये जो लग्न संस्था जो पूरी भारत में विकसित हुई विवाह की, ये रेप में से हुआ है। ओके हाँ, मतलब विवाह की प्रक्रिया किसी रेप के कारण मतलब अनिवार्य किया जाना हुआ कि भाई ये तो उससे पहले क्या होता था, मतलब सेक्स तो डिजायर है ह्यूमन ऑर्गन, जब तक मनुष्यत्व जागृत नहीं होता जी, जिसको हम संस्कार कहते हैं। देखो सेक्स की डिजायर हमारे यहाँ जो एक सूत्र बताया कि आहार निद्रा भय मैथुन अंच, आहार निद्रा भय और मैथुन, सामान्य एतत पशु भी न रहना, नर और पशु दोनों में एक ही है, धर्मो ही एको अधिको विशेष, धर्म यानी जीवन जीने की कला, धर्म यानी कर्तव्य, धर्म यानी विवेक, वही मनुष्य में विवेक जो है धर्म है वो अधिक है, तो उसके हिसाब से फिर चला के भाई हम पशु नहीं है, हम मनुष्य है जी, तो मनुष्य को कैसे जीना, क्योंकि हम उसकी संतान है, मृतस्य पुत्रा वयम जी, तो हमको ये समझना पड़ेगा। तो सोशली आज जो एक्ट है उस एक्ट के हिसाब से या उसके बारे में हम मैं नहीं बोल नहीं वो बढ़ा रहे हैं, जैसे कि 20 सप्ताह तक था पहले, फिर अब उसको और 24 ले गए, कई जगह 9 महीने तक बच्चे को, तो क्या बच्चा पेट में आते ही, यानी कि आपने बड़ा साइंटिफिक प्रश्न हमारे सामने रख दिया है लोगों को, और खास करके जो गायनेकोलॉजिस्ट होगा वो भी नहीं समझ पाएगा। देखो कहीं भी गायनेकोलॉजिस्ट को पूछो कि आप प्रेगनेंसी कब डिटेक्ट कर सकते हो, कोई भी बड़ा गायनेकोलॉजिस्ट को पूछिए तो वो कहता है 15 दिन में वो करेंगे, फिर 1 महीने में तो सोनोग्राफी में बताएंगे। महर्षि चरक ने बताया कि और वो लब्ध गर्भा और सद्यो गृहित गर्भा, लब्ध गर्भा यानी डॉक्टर को वैद्य को बाकी लोगों को भी पता चले, जैसे पीरियड नहीं आया जी तो पता चलेगा कि शी इज प्रेग्नेंट नाउ, लेकिन सद्यो गृहित गर्भा यानी अभी प्रेग्नेंट हुई, अभी जायगोट बना है, अभी एम्ब्रियो बनने की प्रोसीजर में आपका शुक्राणु पहुंच गया है, वो आपको खुद को पता चलेगा और साइन और सिम्टम चरक ने अपने शास्त्र में बताया। तो हमारे यहाँ प्रेगनेंसी तो उसी समय हो जाती है। किस तरह के साइंस बताए हैं, मतलब कोई अब वो एकदम वो टेक्निकल हो जाता है, फिर भी उनकी राइट जो फ्रेमर है उसमें कंपन महसूस होती है, उसको थोड़ा अनइजीनेस एब्डोमिन जैसे फर्स्ट मंथ में कैसे नोसिया वॉमिटिंग होता है, क्योंकि वो एक स्पर्म जब पहुंचता है फेलोपियन ट्यूब में, ओवम पहुंचा हुआ है वहां स्पर्म पहुंचता है, 48 आवर्स का अवधि है जी पहुंचने की जी, 12 घंटे में भी पहुंच सकता है 14 घंटे में भी, लेकिन मैक्सिमम 48 आवर्स में जी जी बिल्कुल पहुंचेगा। जैसे ही पहुंचेगा तो वैसे तो 1 करोड़ शुक्राणु होते हैं, एक ही शुक्राणु उसमें फलित होता है, तब वो उसी समय जब फलिन होता है उसी समय कुछ सिम्टम्स डेवलप होते हैं, क्योंकि एक जीव है दूसरा जीव है जब प्रवेश किया तो जो खुद जीव है उसको पता चलता है जी, और उसके कुछ साइंस डेवलप होते हैं वो हमारे चरक संहिता में बताए गए जी। नहीं मतलब स्पंदन गर्भा वाली बात आती है, आईपीसी ये मानती है जो आजकल बीएनएस है कि 4 महीने के बाद जब वो उनका प्राण उसमें कब आते हैं बच्चे में, पहले दिन से आ जाता है जी, उसी समय आता है जी। इसलिए तो गर्भाधान संस्कार एक अपने आप में संस्कार है कि हमारे यहाँ जो गर्भाधान संस्कार 5 दिन का बताया, तो इसको हमारे शास्त्र या भारतीय शास्त्र जो है वो एमटीपी तो कहता है गर्भ का चिकित्सकीय समापन, तो इसको क्यों नहीं भ्रूण हत्या ही कहा जाए, कहना ही चाहिए अगर टेक्निकली बोलेंगे तो भ्रूण है जी। ये देखो हमारे यहाँ स्त्री भ्रूण हत्या की बात आती है बेसिकली, स्त्री भ्रूण की चर्चा चल रही है, क्योंकि हमारी नासमझी में हमने स्त्री को अव्वल दर्जा नहीं दिया,
निम्न दर्जा दिया, तो फिर ये अभी ये सांप्रत चर्चा है। पुराण काल और भारतीय महान समय में ऐसी चर्चा नहीं थी। हमारे यहाँ तो तीन बड़े पाप हो रहे हैं, एक ब्रह्महत्या, ब्रह्म यानी ज्ञानी गुरु टीचर, अच्छा लर्नेड पर्सन को मत मारो, बहुत दुनिया की विरासत है। दूसरा गौ हत्या, कि गाय समग्र प्राणियों का एक केंद्र चर्चा कभी करेंगे, मेरा विषय गौ विज्ञान भी है। लेकिन तीसरा है भ्रूण हत्या, हमारे स्त्री भ्रूण हत्या नहीं, कोई भी भ्रूण को मत मारो। तो भ्रूण हत्या जघन्य अपराध है, बाकी तो अपराध है लेकिन तीन जघन्य अपराध है, तो ये जघन्य अपराध की श्रेणी में है। तो लेकिन आज का जो साइंस जितना बड़ा है, वो इंस्ट्रूमेंट से, वो टेक्निक से, और पश्चिम की दृष्टि से जितना समझता है उतना एक्ट में कन्वर्ट होता है। अब जब कोई, अगर एक कमेटी होगी सुप्रीम कोर्ट की, वो आपके माध्यम से या किसी के माध्यम से डॉक्टर हितेश जानवी को बुलाएगी, तो मैं साइटेशन दूंगा मेरे शास्त्र का। जी बिल्कुल। लेकिन बुलाया जाता है किसको? सो कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट को। अब एम्ब्रियोलॉजिस्ट को ही खुद को इतना ही नहीं मालूम कि भारत के आयुर्वेद में क्या एम्ब्रियोजेनेसिस है,